हेलो बच्चों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे बच्चों आज के इस वीडियोस में हम करने वाले हैं झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा जो मासिक मूल्यांकन आपका किया जा रहा है उसका सितंबर माह का आज हम हिंदी करने वाले हैं ठीक है ठीके? तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है इसके पहले हमने गणित आपको करके दिखा दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्ले पर जाइएगा क्लास एट वाले फोल्डर पर जाइएगा तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा ठीक है तो गणित आप वहाँ से देख सकते हैं आज के स्टूडियोज़ में हम हिंदी डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा उस हमें कमेंट कर कर आप जरूर बताएं ठीक है बच्चों तो चलिए शुरू करते हैं देखिए हमारा जो पहला सवाल है इसमें आपको क्या दिया गया है छोटा सा पैसेज टाइप का दिया गया है इसको आपको पढ़ना है पढ़ अपने क्वेश्चन का आंसर करना है ठीक है बच्चों तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया गया है हम पढ़ आपको सुना देते हैं मेरे मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था एक घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था मौका पाते ही हॉस्टल से निकल कर मैदान में आ जाता और कंकड़ियाँ उछालता कभी कागज़ तितलियाँ तितलियाँ उड़ाता और कभी कोई सी साथी मिल जाए मिल गया तो पूछो तो ही पूछना ही क्या है कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदा है कभी फाटक पर सवार आगे पीछे चलाते हुए मोटरसाइकिल का आनंद उठा रहे हैं लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देख प्राण सूख जाते थे ठीक है बच्चों तो इस तरह से एक प्रस था आपको इसे पढ़ना था अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए उसके बाद अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिए देखिए हमारा पहला सवाल है गाध्यांश के अनुसार अवसर मिलने पर छात्रावास के बाहर निकलकर लेखक क्या करता है ठीक है बच्चों पहला ऑप्शन से आपका तितलियां पकड़ता है दूसरा ऑप्शन से चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद पड़ता है तीसरा ऑप्शन से सी ऑप्शन से आपका मोटर कार की सवारी करता है चौथा ऑप्शन से कागज का फूल बनाता है ठीक है बच्चों इसका सही जवाब बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है नोट कर लीजिएगा ठीक है चलिए हम अपने दूसरे सवाल पे चलते हैं हमारा दूसरा सवाल है भाई साहब का रौद्रूप देख देखकर प्राण सूख जाते हैं यहाँ पर उल्लिखित शब्द प्राण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ठीक है बच्चों तो कौन सा कथन सत्य है प्राण शब्द के संबंध में ठीक है तो प्राण शब्द का अर्थ जीव जंतु है प्राण शब्द स्त्रीलिंग है प्राण शब्द पुल्लिंग है और इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है प्राण शब्द पुल्लिंग है और इसका प्रयोग दोनों वचनों में होता है तो आपको सही आंसर चुनना है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों प्राण आंसर पुरलिंग है और इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है ठीक है बच्चों चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा निम्नलिखित में शब्दों को संधि विच्छेद करना है ठीक है बच्चों इन शब्दों का क्या करना है बच्चों संधि विच्छेद करके आपको बताना है सज्जन है उल्लेख है उच्चारण है उच्छावस उच्छ्वास है ठीक है बच्चों तो चलिए इसका संधि विच्छेद कर कर आपको बताते हैं तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने कर दिया है इसे ध्यान से देखिएगा सबसे, सबसे पहला आपका क्या था बच्चों सज्जन था क्या था बच्चों सबसे पहला आपका सज्जन था ठीक है तो सज्जन का आपका हो जाएगा सत्य जोड़ जन सत्य जोड़ जन उल्लेख का हो जाएगा उत्त जोड़ लेख उच्चारण का हो जाएगा उत्त जोड़ उच्चारण उच्छावास का उच्छ्वास का हो जाएगा उत्त जोड़ श्वास ठीक है बच्चों इस तरह से आपको छंदी संधि विच्छेद करना है देख लीजिए ठीक है बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं चौथा सवाल है हमारा निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए पूर्व चलने को के बटोही बाट की पहचान कर ले पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी इसका आपको अर्थ स्पष्ट करना है ठीक है बच्चों चलिए आंसर को देख लेते हैं इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों कि कवि का कहना है कि हमें किसी भी रास्ते पर चलने से पहले यह ज्ञात होना चाहिए कि यह रास्ता हमें लक्ष्य तक पहुंचाएगा या नहीं पुस्तकों में लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता नहीं बताया गया है ठीक है हमें अपने मंजिल तक पहुंचने में स्वयं ही प्रयास करना होता है ये इसका अर्थ हो गया ठीक है बच्चों आप इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं हमारा अगला सवाल है विश्वास पात्र मित्र जीवन की औसत है कैसे इस सवाल का जवाब आपको देना है विश्वास पात्र मित्र जीवन की औसत है कैसे ठीक है बच्चों चलिए इसके जवाब को जान लेते हैं इसका जवाब हो जाएगा बच्चों एक विश्वास पात्र मित्र हमें जीवन के पग पर सही रास्ता दिखलाने में मदद करता है एक विश्वास पात्र मित्र हमें जीवन के पग पर यानी जीवन के रथ पथ पर सही रास्ता दिखलाने में मदद करता है वो हमारे हर एक कदम की आलोचना करके हमें सही दिशा की ओर उन्मुख करता है वो हमारे मतलब हर एक कदम की आलोचना करके हमें सही दिशा की ओर उन्मुख करता है ठीक है बच्चों इस प्रकार वो एक औसत की तरह कार्य करता है इस प्रकार वह एक औसत की तरह क्या करता है बच्चों कार्य करता है तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया है क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अपने अगले क्लास में थैंक यू